हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल के कॉपरेशन से एक क्रेडिट कार्ड को इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में पेश किया है, जिसे एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंडियन ऑयल के किसी भी आउटलेट्स पर कैशलेस पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कई अट्रैक्टिव रिवार्ड्स और कैशबैक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल आउटलेट्स पर पेमेंट के अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मूवी टिकट्स की शॉपिंग और बुकिंग पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको डाइनिंग प्लान्स में भी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करने पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अब हम एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे। हम इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फीस और चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को वेलकम बेनिफिट के रूप में सभी फ्यूल ट्रांजेक्शन पर 100% कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकता है। दोस्तों, इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए आप 30 दिनों के भीतर आपका इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन करना जरूरी है, तभी आप वेलकम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर किए गए सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन में आपको रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर हर 100 रुपये खर्च करने पर आपको 20 रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इन रिवार्ड पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर महीने 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज में 1% तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको शॉपिंग बेनिफिट भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में शॉपिंग वैल्यू का 1% तक का मूल्य आपको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, शॉपिंग के लिए इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च किए गए हर 100 रुपये के लिए आपको 5 रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इस रिवार्ड पॉइंट को प्राप्त करने के लिए मिनिमम शॉपिंग की अमाउंट 100 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये है। दोस्तों, अगर आप 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के बीच की शॉपिंग करते हैं तो आपको शॉपिंग पर रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इस एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 साल में 50000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगले साल में इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल फी को नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपका एनुअल फी माफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको रिवार्ड पॉइंट्स का भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए हर 100 रुपये पर कस्टमर को एक एज रिवार्ड पॉइंट दिया जाता है। दोस्तों, इन रिवार्ड पॉइंट्स को कस्टमर एक्सिस बैंक के रिवार्ड कैटलॉग से अलग अलग प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के यूज़ पर आपको डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम के तहत एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डाइनिंग बेनिफिट के रूप में 20% तक की छूट प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरटेनमेंट बेनिफिट भी प्राप्त होता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड कस्टमर को कई प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ बुक माई शो पर टिकट बुक करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको मूवी टिकट्स पर इंस्टेंट छूट प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, इस इंटरटेनमेंट बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के दौरान ऑफर सेक्शन में जाकर ऑफर को अप्लाई करना होगा, तभी आप इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फीस और चार्जेस की, तो दोस्तों इसमें ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये है। दोस्तों, इसमें एनुअल चार्जेस की बात करें तो दोस्तों ये 500 रुपये है, जो कि दूसरे साल से अप्लीकेबल होता है। दोस्तों, अगर आप 1 साल में 50000 रुपये या इससे अधिक का खर्च करते हैं तो आपका एनुअल चार्जेस माफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में एड ऑन कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 0 है, और इसमें एड ऑन कार्ड की एनुअल चार्जेस भी
0 है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेज 100 रुपये है और इसमें कैश पेमेंट चार्जेज भी 100 रुपये है। दोस्तों, एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में लगने वाले कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो दोस्तों, इसमें विड्रॉ की जाने वाली अमाउंट का 3.5% चार्ज लिया जाता है, जो कि मिनिमम 500 रुपये होगा। दोस्तों, इसमें ओवर लिमिट पेनल्टी चार्जेस की बात करें तो दोस्तों, ये ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% जो कि मिनिमम 500 रुपये होगा। दोस्तों, इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन चार्जेस ट्रांजेक्ट की जाने वाली अमाउंट का 3.5% है। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में लगने वाले लेट पेमेंट चार्जेस की तो दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 300 रुपये तक है तो ये लेट पेमेंट चार्जेस 0 है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 301 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है तो ये लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है तो लेट पेमेंट चार्ज 500 रुपये है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 1001 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक है तो लेट पेमेंट चार्ज 500 रुपये है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 10001 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक है तो लेट पेमेंट चार्ज 750 रुपये है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 25001 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक के बीच है तो लेट पेमेंट चार्जेज 1000 रुपये है। दोस्तों, अगर लाइबल अमाउंट 50000 रुपये से अधिक का है तो आपको लेट पेमेंट चार्जेज 1000 रुपये देना होगा। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी की, यानी कि पात्रताओं की, तो दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 साल हो सकती है। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में एड ऑन जोड़ने के लिए एड ऑन कार्डधारक की एज 15 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप उन्हें एक एड ऑन कार्ड के रूप में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेंट भारत का निवासी या फिर NRI हो सकता है। दोस्तों, बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों, इसके लिए आपके पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा आपके फॉर्म 16 की कॉपी की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपके कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होती है। दोस्तों, आपके लेटेस्ट एज सर्टिफिकेट में आपके पे स्लिप या फिर फॉर्म 16 या फिर IT रिटर्न की कॉपी की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपके एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी। दोस्तों, आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, इनमें से किसी एक की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके ID प्रूफ की जरूरत होगी। आप ID प्रूफ के तौर पर आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट निर्धारित करते समय कई फैक्टर्स पर गंभीरता से विचार किया जाता है। दोस्तों, ये फैक्टर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक के द्वारा एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की लिमिट निर्धारित करते समय एप्लीकेंट की एनुअल इनकम, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री के साथ साथ व्यक्ति की लोन चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखकर क्रेडिट लिमिट जारी की जाती है। दोस्तों, अगर आपकी एनुअल इनकम, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री और लोन चुकाने की क्षमता अच्छी है तो बैंक के द्वारा आपको हाई क्रेडिट लिमिट प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और इसके बारे में अन्य जानकारी आपको डिटेल में बताई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।